लिंक है वो डायरेक्ट है, और जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनका जो लिंक है वो इन्वर्स है। इससे क्या मतलब है कि डेंसिटी जो है वो अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी ज़्यादा। तो जो गैसेस होती हैं उनका मास इतना ज़्यादा नहीं होता, उनका मास जो है वो कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी भी क्या होती है कम। और अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से भी देखेंगे तो ये इन्वर्स है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है कम। तो डेंसिटी जो है वो गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड से कम होती है, इसीलिए हम इसको जो है वो लेसर जो यूनिट होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं गैसेस की डेंसिटी को, लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी होती है उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गैसेस की डेंसिटी को हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि जो गैसेस जो सॉलिड्स हैं उसकी 1000 टाइम्स जो है वो गैसेस से ज़्यादा डेंसर होते हैं। और अगर आप जो है वो किसी गैस को कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जब उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी इंक्रीज। यहाँ पर लिखा है कि डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की 1.4 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर आप जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है 1.5। अब ये वाली जो आपने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है ये डेफिनेशन आ जाती है, आपने इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी कन्वर्जन ये कि किस किस की इक्वल है, ये आपने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, फिर ये आपने ये इसकी सारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये जो ये वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है।